मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। सवेरे उठते हैं, चाय और कॉफी पीते हैं विदेशी कंपनियों, एक चाय बिकती है हमारे देश में ब्रुक बॉन्ड, इंग्लैंड की कंपनी, एक चाय बिकती है लिप्टन टाइगर, ये भी इंग्लैंड की कंपनी, एक चाय बिकती है उसका नाम है ताजमहल, ये भी इंग्लैंड की कंपनी, एक चाय बिकती है उसका नाम है टी सिटी, एक है आईटीसी, एक है गॉडफ्रे फिलिप्स, ये अमेरिका की कंपनियां। तो इतनी सारी विदेशी कंपनियों की चाय और कॉफी आप पीते हैं, सवेरे ही सवेरे गुलामी शुरू हो जाती है। और ये चाय कॉफी क्यों पीते हैं? तो अक्सर लोग कहते हैं कि राजीव भाई उसी में तो स्मार्टनेस है। माने आज ये माना जाता है कि जो चाय कॉफी नहीं पिएगा वो बेवकूफ है, जो चाय कॉफी पिए वो बहुत स्मार्ट है। और अक्सर लोगों से मैं पूछता हूं कि क्यों पीते हैं चाय कॉफी, तो कहते हैं उसमें क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है ये किसी को नहीं मालूम। चाय और कॉफी में क्वालिटी नहीं है, जहर है। क्या जहर है जानते हैं? चाय में एक जहर होता है उसका नाम है टैनिन, और कॉफी में एक जहर होता है उसका नाम है कैफीन। ये टैनिन और कैफीन दोनों जहर हैं जो कैंसर कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सवेरे ही सवेरे जहर पीते हैं और कहते हैं क्वालिटी पी रहे हैं। और क्या करते हैं, खुद तो पी रहे हैं मरेंगे, मेहमान को भी मार रहे हैं पिला पिला के चाय। क्योंकि जब भी मैं किसी के घर में जाता हूं सबसे पहले पूछते हैं राजीव भाई चाय पियेंगे, मैं कहता हूं नहीं पियेंगे। कॉफी पियेंगे, मैं कहता हूं नहीं पियेंगे। तो क्या पियेंगे फिर? कोई नहीं पूछता राजीव भाई गाय का दूध पियेंगे या दही की ताक पियेंगे या लस्सी पियेंगे या नारियल का पानी पियेंगे। एक बार बंबई में मैं गया, मेरे एक परिचित हैं करोड़पति व्यक्ति, तो मैंने उनसे घर में जैसे ही घुसा तो उनकी पत्नी ने पूछा चाय कॉफी पियेंगे, मैंने कहा नहीं पीऊंगा। तो कहने लगी क्या पियेंगे? मैंने कहा नारियल का पानी पिलवा दीजिए। कहने लगा वो नहीं है हमारे पास। मैंने कहा क्यों नहीं है? कहा राजीव भाई नारियल का पानी ऑफर करने में शर्म आती है, माने चाय कॉफी जैसा जहर पिलाने में शर्म नहीं आती, नारियल का पानी पिलाने में शर्म आती। मैंने उनसे पूछा आपको मालूम है चाय कॉफी किसको पीनी चाहिए? उनका मुझे नहीं मालूम। सच्चाई यह है कि हम में से किसी को नहीं मालूम कि चाय कॉफी किसको पीनी चाहिए। चाय कॉफी पीनी चाहिए उन लोगों को जो बहुत ठंडी में रहते हैं, माने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तमाम उन देशों में भयंकर ठंडी पड़ती है। साल में 9 महीने भयंकर ठंडी पड़ती है, 6 महीने तो बर्फ जमी रहती है। उन लोगों को चाय कॉफी की जरूरत होती है क्योंकि ठंडी ज्यादा पड़ती है और चाय कॉफी दोनों बहुत गर्म चीजें हैं। हमारे यहां क्या होता है, हमारे यहां साल में 9 महीने भयंकर गर्मी पड़ती है। तो जिस देश में साल में 9 महीने भयंकर गर्मी पड़ती है उसमें और गर्म चाय और कॉफी पी रहे हैं, माने सत्यानाश कर रहे हैं। और क्या सत्यानाश कर रहे हैं? अपने शरीर का, और अपने शरीर के साथ साथ देश का। देश का क्या सत्यानाश कर रहे हैं? परदेशी कंपनियां आपके देश में चाय कॉफी बेच रही हैं। पता है क्या होता है, चाय हमारे देश के किसान पैदा करते हैं, कॉफी भी हमारे देश के किसान पैदा करते हैं। ये परदेशी कंपनियां क्या करती हैं, हमारे किसानों से चाय खरीदती हैं 24 रुपए में किलो, और वो 24 रुपए किलो की चाय जो खरीदते हैं किसानों से उसको हमें बेचते हैं 125 रुपए में एक किलो। माने बीच का मुनाफा चला गया सब परदेशी कंपनियों। क्या होता है, हर साल ये कंपनियां हमारे देश में 70 करोड़ किलोग्राम के आसपास चाय कॉफी बेचते हैं और हजारों करोड़ रुपया कमा के ले जाते हैं। आपको मालूम है हम एक साल में जितनी चाय कॉफी पी लेते हैं उतने में हमारे देश का 5,600 करोड़ रुपया विदेशी कंपनियों के हाथ में चला जाता है। तो सवेरे ही सवेरे हिंदुस्तान के खून पसीने की कमाई का 5,600 करोड़ परदेशी कंपनियों के हाथ में हम दे देते हैं, फिर कहते हैं भारत माता की जय। कहां से भारत माता जिंदा रहने वाली है? तो मैं आपसे निवेदन करने आया कि ये चाय कॉफी की अंग्रेजियत छोड़िए। तो आप पूछेंगे क्या पिए? हिंदुस्तानी बनिए, गाय का दूध पीजिए। गाय के दूध से बढ़िया दूसरी कोई चीज नहीं है पीने के लिए। तो आप पूछेंगे क्यों? अगर आप 5,600 करोड़ रुपए की चाय कॉफी पी रहे हैं, इतने ही पैसे का अगर गाय का दूध बिकना शुरू हो जाए इस देश में तो कम से कम 1 करोड़ गाय पालनी पड़ेगी, और 1 करोड़ गाय अगर पालनी पड़ेगी
तो 25 लाख गोपालक चाहिए, क्योंकि चार गाय एक आदमी देख सकता। तो 25 लाख गोपालक अगर चाहिए तो 25 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है, उतने ही पैसे में जितने में हम चाय कॉफी पीकर हिंदुस्तान की बर्बादी कर रहे हैं। तो आप अपने शरीर को बर्बादी से बचा सकते हैं और हिंदुस्तान के 25 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं 5600 करोड़ का अगर गाय का दूध पीना शुरू करें। और एक दूसरी बात कि अगर 1 करोड़ गाय हम पालें और उसमें से इतना दूध पैदा हो तो हर गाय एक साल के अंदर खड़े खड़े 25,000 रुपए का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पैदा करते।